कॉमन कैरोटिड है, इसका हम वेव फॉर्म पहले देखते हैं, इस तरह नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम डिवाइड ऊपर ले जाते हैं, इसको अब ये देखें यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो रही है दो में। अब फ्लो डालते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये कौन सी है, बड़ी है ना, ऐसी है, छोटी कौन सी है, इसी है। इसी है कि जब हम देखें ये ब्रांचेस हैं, ऐसी की ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसका वेव फॉर्म लेते हैं किस तरह आएगा। ये है कॉमन कैरोटिड, इसकी और चीज जो देखते हैं ना कॉमन कैरोटिड की, ये इंटीमीडियट थिकनेस है, ये हाँ ये जैसे 0.07 नॉर्मल थी, नॉर्मल 0.010 तक होती है, 11, ठीक है ना, उससे ज्यादा हो तो फिर हम पैथोलॉजी कर लेते हैं। जो लेस देन तकरीबन 50% स्टेनोसिस होती है उसमें ये बढ़ जाती है। क्राइटेरिया होता है ना इसको किस तरह जज कर, ये है कॉमन कैरेक्टर। अब ये डिवाइड हो रही है यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल, अब वेव फॉर्म देखते हैं, ये इंटरनल है और एक्सटर्नल का इस तरह, ये किसका है, एक्सटर्नल। ये वेव फॉर्म से